दोस्तों, क्या आप जानते हैं 2018-19 के वित्तीय वर्ष में स्टॉक मार्केट में निवेश करने वाले सक्रिय निवेशकों की जो संख्या 87 लाख हुआ करती थी, वो 2021-22 के वित्तीय वर्ष में 3,60,00,000 तक पहुंच गई है और ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। भारत में मौजूद स्टॉक ब्रोकर्स की संख्या 250 से ज्यादा है और बस कुछ बेसिक स्टेप्स पूरा करके कोई भी अपना डीमैट अकाउंट खोलकर स्टॉक एक्सचेंज के रजिस्टर्ड कंपनी में निवेश कर सकता है। लेकिन आज के इस आसान निवेश प्रक्रिया के पीछे कहानी काफी पुरानी और दिलचस्प है। चलिए, इस वीडियो के माध्यम से हम स्टॉक मार्केट के लंबे इतिहास को रोचक तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। स्टॉक मार्केट के इतिहास को सही ढंग से समझने के लिए हमें सबसे पहले इसके पूरे कॉन्सेप्ट को समझना होगा। तो स्टॉक एक्सचेंज या स्टॉक मार्केट स्टॉक्स का वो बाजार है जहां इन्वेस्टर्स किसी कंपनी के स्टॉक या शेयर को खरीद या बेच सकते हैं। कंपनीज के इन स्टॉक्स की कीमत डिमांड और सप्लाई के आधार पर निर्धारित होती है। डिमांड और सप्लाई का बढ़ना या घटना कई अलग अलग फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। शेयर्स के खरीदारों की संख्या बढ़ने पर स्टॉक्स का प्राइस बढ़ता है, वहीं दूसरी तरफ स्टॉक्स के सेलर्स की संख्या बढ़ने से शेयर का दाम घट जाता है। जब किसी कंपनी को खुद को विस्तारित करने के लिए पैसों की जरूरत होती है, तब वो अपना IPO यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लॉन्च करते हैं, जिसके जरिए निवेशक कंपनी में निवेश करके उसके हिस्सेदार बन सकते हैं और मुनाफा कमा सकते हैं। और इस पूरे कॉन्सेप्ट की सबसे पहले शुरुआत हुई 1602 ईस्वी में, जब डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली बार अपने बिजनेस के इक्विटी शेयर्स के लिए पब्लिक को इन्वाइट किया। लेकिन इस निमंत्रण के साथ ही सबसे बड़ी समस्या ये थी कि आखिर इतने सारे स्टॉक्स और उनके रिकॉर्ड्स को कैसे मैनेज किया जाए, और इन स्टॉक्स के वैल्यूएशन और रेगुलेशन के लिए दुनिया के सबसे पहले स्टॉक एक्सचेंज की शुरुआत हुई, जिसका नाम रखा गया एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज। डच ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा दूसरे जितने भी यूरोपियन देश या पूर्वी इलाके में व्यापार करने आए थे, वे सब स्टॉक मार्केट के कॉन्सेप्ट को फॉलो करते थे, और इस तरीके से यूरोपियन देशों ने बिजनेस को एक नए आकार में ढाल दिया। लेकिन इस समय इन सारे स्टॉक्स को लंदन के कॉफी दुकानों में डील किया जाता था और उनको डील करना आसान नहीं होता था। लंदन में एक ऐसे मार्केट की जरूरत थी जहां से स्टॉक्स को खरीदा या बेचा जाए। और फिर वर्ष 1773 में लंदन स्टॉक एक्सचेंज की शुरुआत हुई, और ठीक इसके 19 साल के बाद दुनिया के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की शुरुआत हुई। उस समय से लेकर अब तक न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज बना हुआ है, जो न्यूयॉर्क के 11 वॉल स्ट्रीट और 18 ब्रॉड स्ट्रीट में मौजूद है। एक तरफ जहां यूरोपियन देश स्टॉक एक्सचेंजेस से मार्केट को विकसित कर रहे थे, उसी समय हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम बनता जा रहा था। लेकिन व्यापार तो यहां भी चल रहा था और इन स्टॉक्स के खरीद बिक्री पर प्रभाव भारत पे पड़ता था। स्टॉक मार्केट के इस बढ़ते दायरे ने भारत की अनऑफिशियल एंट्री 18वीं सदी में करवाई, जब सूती वस्त्रों के लिए व्यापार के लिए कुछ लोग मुंबई के टाउन हॉल के पास इकट्ठा होते थे। साल 1850 ईस्वी में अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा कंपनीज एक्ट के नाम से एक एक्ट पारित किया गया, और इस एक्ट की वजह से निवेशकों के लिए कंपनीज में निवेश करना आसान हो गया और निवेशकों ने निवेश में काफी रुचि ली। निवेशकों के बढ़ती रुचि को देखते हुए वर्ष 1875 में एक ऐसे संस्था की स्थापना की गई जो कि आज के स्टॉक एक्सचेंज जैसा था, और इस संस्था का नाम रखा गया द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन। और यही एसोसिएशन आगे चलकर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नाम से फेमस हुआ, जो आज तक अस्तित्व में है। बॉम्बे में ऐसे बिजनेसमैन एसोसिएशन के बनने के बाद गुजरात कैसे पीछे रह सकता था। 1894 ईस्वी में गुजरात के कुछ निवेशकों ने मिलकर अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज की शुरुआत की और शहर में चल रहे टेक्सटाइल्स मिल्स में निवेश करने के लिए निवेशकों को आमंत्रित करने लगा। जिस समय में इन स्टॉक एक्सचेंज की शुरुआत हो रही थी, उसी समय कलकत्ता व्यापार केंद्र होता था, और इस वजह से 1908 में कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज और फिर 1902 में मद्रास स्टॉक एक्सचेंज का गठन हुआ। ये सारे स्टॉक एक्सचेंज खुद में काफी विकसित हो रहे थे, लेकिन इन्हें तात्कालिक अंग्रेजी हुकूमत से कोई पहचान नहीं मिल पाई। लेकिन बदलते समय के साथ भारत को आजादी मिली। आजादी के 10 साल बाद पहली बार 1957 ईस्वी में सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन एक्ट के तहत भारत सरकार द्वारा BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को मान्यता दी गई। जैसे ही BSE को सरकार की ओर से पहचान मिली, वैसे ही कई और बड़ी और छोटी कंपनीज ने अपना IPO लॉन्च करना शुरू किया। वर्ष 1980 बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण वर्ष था, क्योंकि इसी साल इसे मुंबई के दलाल स्ट्रीट शिफ्ट में किया गया। कंपनीज की बढ़ती संख्या को देखते हुए 1986 में सेंसेक्स को लॉन्च किया गया। सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को सूचकांक है, जिसे BSE की टॉप 30 कंपनी के आधार पर तैयार किया जाता है। अब तक सब कुछ सही चल रहा था और स्टॉक एक्सचेंज का ये मार्केट काफी ग्रो कर रहा था, लेकिन जैसे जैसे मार्केट बड़ा हो रहा था, वैसे वैसे बड़े मार्केट प्लेयर्स की एंट्री हुई, जो न सिर्फ बड़ा इन्वेस्टमेंट किया करते थे, बल्कि अपने मुनाफे के लिए मार्केट के प्राइस और इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को मैनिपुलेट करते थे। और इस मैनिपुलेशन में सबसे बड़ा नाम आता है मनु मानिक का, उनके बेयर कार्टल का, जो कि अपने फायदे के लिए मार्केट को मैनिपुलेट करने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। मनु मानिक को स्टॉक मार्केट का ब्लैक कोबरा कहा जाता था।
मार्केट को ऐसे ही लोगों के मैनिपुलेशन से बचाने के लिए साल 1988 में सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की शुरुआत हुई। सेबी का काम इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट के साथ साथ मार्केट कैपिटल को ध्यान में रखते हुए स्टॉक मार्केट को निवेशकों के लिए पारदर्शी बनाना था। 1988 में स्थापित हुई यह संस्था 1992 तक स्वायत्त संस्था बन चुकी थी, यानी ये खुद से अपने फैसले ले सकती थी। मार्केट में और ज्यादा पारदर्शिता लाने के लिए 1992 में ही NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई। स्टॉक मार्केट में और ज्यादा निवेशकों को जोड़ने के लिए BSE ने 1995 में इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम की शुरुआत की। इस ट्रेडिंग सिस्टम के जरिए एक स्टॉक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया, जिसे BSE ऑनलाइन ट्रेडिंग या बोल्ट कहा गया। इंटरनेट बेस्ड ट्रेडिंग को आगे बढ़ाने के लिए सेबी ने एक कमेटी का भी गठन किया और इस कमेटी ने ब्रोकर्स को भी इंटरनेट बेस्ड ट्रेडिंग का मौका दिया। इसके बाद तो स्मार्टफोन और लैपटॉप यूजर्स की संख्या के साथ साथ ऑनलाइन ट्रेडिंग की पॉपुलैरिटी बढ़ गई, क्योंकि इस सिस्टम के जरिए इन्वेस्टर स्टॉक्स के प्राइस को आसानी से एनालाइज कर सकता था और अपने एनालिसिस के आधार पर आसानी से स्टॉक्स को खरीद या बेच सकता था। इन ब्रोकर प्लेटफॉर्म को स्टॉक एक्सचेंज से परमिशन लेनी होती है और फिर सेबी से रजिस्ट्रेशन करवाना होता है और फिर ये अपने प्लेटफॉर्म पर ट्रेडिंग की सुविधा दे सकते हैं। सेबी के सिस्टम की वजह से ब्रोकर्स ने भी इंटरनेट बेस्ड ट्रेडिंग की ओर रुझान लेना शुरू किया, क्योंकि इसके माध्यम से वो ज्यादा कस्टमर्स तक पहुंच सकते थे। ट्रेडिंग के इस तरीके में निवेशकों का भी रुचि लेना स्वाभाविक था, क्योंकि वो चाहे पहुंच की बात हो, पारदर्शिता की बात हो या फिर सुरक्षा और विश्वास की बात, इन सभी मायनों में इंटरनेट बेस्ड ट्रेडिंग पारंपरिक तरीके से बेहतर था। ये सब काफी तेजी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन जियो के आने की वजह से इंटरनेट शहरों से बढ़कर गांवों, कस्बों, हर जगह पहुंचा और इसका फायदा ब्रोकर एप्स ने उठाया। कई तरह के रेफरल प्रोग्राम्स और प्रचार के जरिए काफी बड़े संख्या में निवेशकों को मार्केट के साथ जोड़ा। इसी समय कुछ फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स की लोकप्रियता बढ़ी और उन्होंने लोगों को स्टॉक मार्केट के बारे में एजुकेट करना शुरू किया। और आज स्टॉक मार्केट में ऑनलाइन ट्रेडिंग को इतना पसंद किया जा रहा है कि हजारों की संख्या में लाखों कॉलेजेस स्टूडेंट्स ऑनलाइन ट्रेडिंग को अपना फुल टाइम करियर बनाना चाहते हैं। फिलहाल इंडिया में 250 से भी ज्यादा ब्रोकर एप्स से भी रजिस्टर्ड हैं और इन एप्स के जरिए ट्रेड और इन्वेस्ट करने वाले यूजर्स की संख्या 3 करोड़ से ज्यादा है और आने वाले सालों में ये संख्या कई गुना बढ़ेगी। सबसे लोकप्रिय ब्रोकर एप्स में जीरोधा, एंजल वन, अपस्टॉक्स, ग्रो, पेटीएम मनी और 5paisa ऐप जैसे ऐप शामिल हैं। और एक और बात जो मैं बताना भूल गया, आजकल आप और हम इंटरनेट की वजह से एक क्लिक में शेयर को खरीद और बेच सकते हैं, लेकिन पुराने जमाने में ऐसा नहीं होता था। उस समय शेयर को खरीदने और बेचने के लिए आपको खुद स्टॉक एक्सचेंज करना पड़ता था, जो मुंबई में था, और आपको आपके शेयर की डिटेल्स कागज के रूप में मिलती थी, जिसे हिफाजत से रखना पड़ता था। तो दोस्तों, ये थी स्टॉक मार्केट के इतिहास से लेकर वर्तमान तक की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में बताई गई सारी बातें आपको समझ आई होंगी और जरूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इतिहास से जुड़ी ऐसी कमाल की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए शुक्रिया।